तो मैंने आपको अभी हीट ऑफ कम्बशन का क्वेश्चन करा दिया है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंसेप्ट बता दिया है। कल मैंने आपको एक आखिर में क्वेश्चन करवाया था जिसमें हाउ टू मार्क नेगेटिव चार्जेस एंड हाउ टू सी वेदर द टू स्ट्रक्चर्स आर रेजोनेटिंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर और नॉट, ये बताया था। अब आज मैं आपको बताता हूँ कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कंपेयर कैसे करें कि कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर कम स्टेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपकी शीट के अंदर चार पांच क्वेश्चन है जिसके अंदर पर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका पूरा पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। नाउ पहले मैं आपसे थ्योरी पार्ट डिस्कस करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो समझे आप, हाउ टू एसेस, आप टॉपिक डालना है हाउ टू एसेस द स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी हम देखना चाहते हैं कि कौन से कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं और कौन से कैनोनिकल स्ट्रक्चर कम स्टेबल होते हैं। तो पहली बात यदि मैं देखूं तो नंबर वन, आप पॉइंट लिखते जाएं, मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स मोर द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। बेटा जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतने ज्यादा सिस्टम एनर्जी को रिलीज करेगा, उतना ही ज्यादा सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा। जीवन में भी ये बात सत्य है कि जिसके जितने ज्यादा बॉन्ड होते हैं वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। यदि मेरे पास 100 दोस्त हैं तो ऑब्वियसली मेरी स्टेबिलिटी समाज में थोड़ी सी बढ़ जाती है। मेरे पास एक दो ही दोस्त है तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी मेरी कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि यदि मान लो मेरे पास कुछ नहीं है तो भी मैं एक दोस्त के पास कम से कम एक दिन खाना खाने जाऊंगा तो 100 दिन बाद दूसरे दोस्त के पास खाना खाने जाऊंगा। तो मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो ऑब्वियसली द स्टेबिलिटी विल बी मोर। तो यदि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दू तो ये जैसे इधर हो गया एक और यहाँ हो गया डुक 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 डुक, और यहाँ पे लगा दूंगा मैं पॉजिटिव चार्ज, इधर लगा दूंगा नेगेटिव चार्ज और इधर लगा दिया ये। ठीक, ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप यदि देखो तो ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव हुआ है और ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव हुआ है और इसी का दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये बन गया है। ऑब्वियसली आप पहचान गए होंगे वन इज मोर स्टेबल देन सेकंड वन, एंड द रीजन इज दैट के वन में नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है और सेकंड में नंबर ऑफ बॉन्ड कम है। सो मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। जैसे ही बॉन्ड बनता है एनर्जी सिस्टम रिलीज करता है और सिस्टम यदि एनर्जी रिलीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टम स्टेबलाइज होगा। देयरफॉर दिस इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू दैट वन। नाउ दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड पॉइंट। नेवर एक्सीड ऑक्टेट रूल व्हाइल ड्रॉइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब बेटा ये बात बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, कारण ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के साथ जनरली डील कर रहे होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐसी चीजें आ रही होती है, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट नेवर एक्सीड द ऑक्टेट रूल व्हाइल ड्रॉइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक्चुअली बेटा ऑक्टेट रूल तो लगते ही पीरियोडिक टेबल में सिर्फ चार ही एलिमेंट है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसके अलावा ऑक्टेट रूल लगता कहां पे, नीचे जाओगे तो डी ऑर्बिटल आ जाएगा और डी ऑर्बिटल के आने के साथ ही वैलेंसी एक्सीड होने लग जाती है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि नेवर एक्सीड ऑक्टेट रूल व्हाइल ड्रॉइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें दो शब्द इंपॉर्टेंट है, एक तो एक्सीड है, एक लुईस ऑक्टेट रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो लुईस ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि हर एटम 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करता है अपने आउटर मोस्ट शेल में अपनी स्टेबिलिटी के लिए। तो यदि डाउन साइड पे है तो डाउन साइड पे है तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बट वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा बट वो लेस स्टेबल होगा। बट ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्टेट रूल एक्सीड हो रहा हो, मतलब नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा हो या कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा हो, ऐसे स्ट्रक्चर आर टोटली इनवैलिड स्ट्रक्चर। इनकी स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं होती है। यदि आपसे पूछता है कोई कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इनवैलिड स्ट्रक्चर, एक क्वेश्चन है आपकी शीट के अंदर, 4 क्वेश्चन है उसके अंदर जिनमें पूछा हुआ है कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनवैलिड है, तो वहां पे वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनवैलिड है जिनका ऑक्टेट एक्सीड कर रहा है, मतलब वहां पे या तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है या कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, एंड दैट इज नॉट अलाउड व्हाइल ड्रॉइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो नेवर एक्सीड ऑक्टेट रूल व्हाइल ड्रॉइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेटा सबसे ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि कोई होते हैं तो वो होते हैं जिनके अंदर ऑक्टेट एक्सपांड कर रहा होता है,
या कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के केस में ऑक्टेट रूल ब्रेक हो रहा होता है। फास्फोरस में ही चलता है क्योंकि फास्फोरस में वैलेंसी 6 तक जा सकती है। अकॉर्डिंग टू सिज्विक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी द वैलेंसी कैन गो अप टू 6। और ये हम देखते भी हैं कि PCl5 अपनी सॉलिड स्टेट में PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव के रूप में रहता है, तो ऑब्वियसली फास्फोरस होल्ड्स अ वैलेंसी ऑफ 6। बट यदि मैं बात करूं कार्बन की, नाइट्रोजन की, तो ये कभी भी 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं दिखाएंगे। जैसे कि मैं यदि आपसे बात करूं, यहां मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर मैं अमोनियम आयन लगा हुआ है, मैं इधर से इधर मूव करूं और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बनाऊं, ये वाला, दिस इज मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये इतना ज्यादा इनवैलिड है कि ऑलमोस्ट नहीं बनेगा। दिस इज अ कंप्लीटली इनवैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यदि इसकी बात करूं तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में फिलहाल 10 प्रॉन्स हैं, विच इज नॉट परमिटेड। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच इज एक्चुअली नॉट परमिटेड, देयरफॉर दिस इज नॉट अलाउड। द स्ट्रक्चर्स इन विच द ऑक्टेट रूल विल एक्सीड आर इनवैलिड स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं और कौन से कम स्टेबल होते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट, और ये पॉइंट्स अपने सीरियल ऑर्डर में स्टेबिलिटी के, स्पेशली शुरू के 2-3 पॉइंट जो है स्टेबिलिटी को ज्यादा डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद के पॉइंट फिर स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। नाउ ये 2 पॉइंट आई होप आपको अब तक क्लियर है। मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट, नेवर एक्सीड ऑक्टेट रूल व्हाइल ड्राइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, स्पेशली इन केस ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। नाउ सी दिस थर्ड, स्ट्रक्चर्स इन विच ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट आर लेस स्टेबल देन स्ट्रक्चर्स इन विच ऑक्टेट इज कंप्लीट, इन विच ऑक्टेट इज कंप्लीट। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल बताता हूं, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ये लोन पेयर इधर से इधर जम कर सकता है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, और ये यहां पर CH3CH डबल बॉन्ड OH और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। नाउ सी दिस, ऑल्दो सेकेंड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जनरली पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करता, बट स्टिल द सेकेंड स्ट्रक्चर इज मच मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू द फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल है पहले स्ट्रक्चर की कंपैरिजन में, कारण यह कि सेकंड स्ट्रक्चर में सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है। यदि आप देखो बेटा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो नाइट्रोजन जैसा हो जाएगा, तो उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, तो 3 तो गए बॉन्डिंग में, बचे कितने, 2, तो एक लोन पेयर यहां पर बच जाएगा। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 ये, 2 ये, 6 और 2 ये, 8, तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है। यहां पर यदि देखो तो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कार्बन ने एक बॉन्ड यहां और एक हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्ट्रक्चर, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल देन इलेक्ट्रॉन नॉन डेफिशिएंट, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है, मतलब जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है, दोज स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन दोज स्ट्रक्चर्स इन विच द ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, देयरफॉर द सेकंड इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू द फर्स्ट।
देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन, इसको यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और कौन से स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट है। यदि आप वन देखो तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि कार्बन ने चार बॉन्ड बनाए हुए हैं, दो हाइड्रोजन के साथ और दो कार्बन के साथ। इस कार्बन ने भी चार बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये नाइट्रोजन है पर इस पर पॉजिटिव चार्ज होती है, ये भी कार्बन जैसा हो जाएगा, इसने भी चार बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये ऑक्सीजन है, इसने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये ओ नेगेटिव है, इसने एक बॉन्ड बनाया, ओ नेगेटिव फ्लोरीन जैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में एक बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है, पूरा स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट है। नाउ इसको देखो, यहां सी पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब ऑटोमो शेल में तीन इलेक्ट्रॉन बचे, तीन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में गए, तीन बॉन्ड बनाया, तो टोटल कितने हो गए? सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। ये सी पे नेगेटिव चार्ज है और वो तीन बॉन्ड बना रहा है, सी पे नेगेटिव चार्ज होने का मतलब नाइट्रोजन हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में और तीन बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, नाइट्रोजन यूजली तीन ही बॉन्ड बनाता है। ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन चार बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन दो बना रहा है, ओ नेगेटिव एक बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है, बट इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दिस मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगेन आप देखें CH2+ लगा हुआ है, सेम कंडीशन है, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सिमिलरली इधर देखें आप, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सिक्स इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, सी के टकलू पे नेगेटिव चार्ज है, ये नाइट्रोजन जैसा हो जाएगा, तीन बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, चार बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब तीन स्ट्रक्चर में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट का इनकम्प्लीट होना ये बुरी बात, स्टेबिलिटी के लिए ये बुरी न्यूज है, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। यदि आपकी शीट में इसको ए दिया है, इसको बी दिया है, इसको सी मार्क किया है और इसको डी मार्क किया है, अब पहला सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि उसमें ऑक्टेट सभी का कंप्लीट है, बी सी डी में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब मैं देखता हूं बी सी डी में कौन ज्यादा स्टेबल है। आप देखें जरा स्ट्रक्चर बी को देखें, स्ट्रक्चर बी में मैं क्या देखूं? ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है। अब मैं चार सेपरेशन देखूं तो चार सेपरेशन तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इधर देखो तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और इधर लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा दूर है। इधर आ जाओ, इधर आओ तो यहां पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इधर जो है प्रॉब्लमेटिक बात हो गई है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बगल में आ गया और पॉजिटिव पॉजिटिव के यदि बगल में आ गया है तो दिस इज नॉट ए गुड न्यूज। पॉजिटिव यदि पॉजिटिव के बगल में आया है तो दिस इज नॉट ए गुड न्यूज बिकॉज व्हाट हैपेंस हियर, यहां पर इनफैक्ट जो है रिपल्शन बढ़ जाएगा। आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी, सर यहां पे चार सेपरेशन ज्यादा है ना, यहां पे चार सेपरेशन ज्यादा नहीं, यहां भी देखो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एक एक का ही डिस्टेंस है, बिल्कुल एडजेसेंट पोजिशन पर लगा हुआ है। यदि इस स्ट्रक्चर में भी देखो तो स्ट्रक्चर में पॉजिटिव नेगेटिव लगा हुआ है। नाउ सी दिस, ये स्ट्रक्चर इन तीनों स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट पोजिशन पे आ गए थे, इसका मतलब सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो है सी। अब बचता है बी और डी, बी और डी में कौन ज्यादा स्टेबल है? देखो बेटा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियसली विच विल बी मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू द कार्बन, देयरफॉर दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन दिस स्ट्रक्चर, ए ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। सो द ऑप्शंस आर लाइक दिस, ए ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। तो आप मार्क कर लेंगे यूं पॉजिटिव पॉजिटिव पास में, इसके नीचे आप लिख लेंगे यहां पे नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं वापस से रिपीट कर दूं, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, यहां पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल थिंग। नाउ ये बात आपको यदि क्लियर हो तो मैं एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूं आगे।
नाउ सी दिस बेटा, फिर से हम देखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा जिसमें ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है। तो मेरे को पहली नजर में ही दिख गया कि एक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि सी पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तीन बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, छह इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहां भी मेरे को दिख रहा है सी पे पॉजिटिव चार्ज है, तीन बॉन्ड बनाए, एक हाइड्रोजन के साथ, दो कार्बन के साथ में, इसका मतलब सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सी पे आ जाता हूं, सी पे आया, सी पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब नाइट्रोजन जैसा हो गया, तीन बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है। सी चार बॉन्ड बना रहा है, एक एच के साथ और तीन कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या, ऑक्टेट कंप्लीट है। यह भी चार बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है। यह भी चार बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है। एन पे पॉजिटिव चार्ज है और चार बॉन्ड बना रहा है, एन पॉजिटिव मतलब कार्बन जैसा हो जाएगा, यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट है, ये एक अच्छी न्यूज है। अब तक के शुरू के दो स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबली ये स्ट्रक्चर हुआ अनडाउटली, बिकॉज ऑक्टेट इज कंप्लीट ऑन ऑल एटम्स। नाउ सी दिस स्ट्रक्चर अगेन, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। सी पे नेगेटिव चार्ज है, तीन बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट। ये भी चार बॉन्ड बना रहा है, ये भी चार बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट। इसका मतलब मैं एक बात समझ गया हूं कि सी और डी में ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स होंगे। सी और डी में कौन ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, ये आप मुझे बताएंगे देख करके स्ट्रक्चर को। आपके पास माइक है, आप प्लीज बताइए सी और डी में से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा। ये बहुत आसान है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। और प्लीज शीट को पलट के मत देखिएगा। जो बच्चा भी उत्तर बताना चाह रहा उसको माइक ले लें आप और बताएं उत्तर। डी इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू सी, क्यों बेटा? नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को। चलो तुम अच्छा बोल रहे हो, तुमने वो टेक्निकल शब्द का प्रयोग नहीं किया चार्ज सेपरेशन, बट तुमने सही बोला है। यदि आप देखें तो यहां पर चार्ज सेपरेशन बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव एक कोने में बैठा है, नेगेटिव एक कोने में बैठा है, ये लोग गाना गाते रहेंगे, दुखी रहेंगे, इसलिए इनको पास आने की जरूरत है। ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल रहेगा, ये स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल रहेगा। द डी इज लेस स्टेबल, सॉरी द सी इज लेस स्टेबल व्हेन कंपेयर टू डी बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि डी मोर स्टेबल देन सी बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन, बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन। आपने बहुत अच्छा उत्तर बताया, मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई है। मैं आपसे ए और बी में उत्तर पूछना चाहूंगा, यदि आपने बता दिया तो वेरी गुड, वेरी नाइस। आप बताएं ए, चलो ए इज मोर स्टेबल और लेस स्टेबल? लेस स्टेबल। व्हाई? अल्फा हाइड्रोजन, वेर आर अल्फा हाइड्रोजन इन दिस स्ट्रक्चर? ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नो क्वेश्चन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बेटा अल्फा हाइड्रोजन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हम देखते हैं, यहाँ पे कोई भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। जो c के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यदि वो आपको sp3 दिखता है तो वो भी sp3 नहीं है, क्योंकि लोन पेयर आगे बढ़ जाएगा। मैंने आपको बोला है कि जब भी लोन पेयर कंटेनिंग एटम किसी ऐसे एटम से जुड़ा होता है जिसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो वो लोन पेयर आगे बढ़ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता है। देयरफॉर ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नो क्वेश्चन ऑन अल्फा हाइड्रोजन राइजेस ओवर हियर। और बोलो, आपका उत्तर सही है, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। आपने बोला है ए इज लेस स्टेबल, दिस इज वेरी करेक्ट, आपका उत्तर सही है। अब आप मुझे बताओ क्यों आपका उत्तर सही है, कोई और बच्चा भी यदि बताना चाहे। इनफैक्ट जब मैं ये क्वेश्चन को ड्रॉ कर रहा था तो उस ड्रॉ करते दौरान ही मैंने उसका आंसर कुछ कुछ बना दिया था, फिर मैंने मिटा दिया था। अब आप सोचें कि क्यों ए लेस स्टेबल है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ए लेस स्टेबल है, मुझे सिर्फ कारण जानना है। वो छह कारण में से एक कारण यहां पे जरूर अप्लाई होगा। शाबाश शाबाश, वेरी नाइस। नाइट्रोजन पर आपने बता दिया बेटा, बहुत बढ़िया आंसर बताया आपने। नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल कर जाएंगे, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होगा। वेरी गुड आंसर। सो दिस इज लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर व्हेन कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर। देयरफॉर आई विल राइट दैट बी इज मोर स्टेबल देन ए
और इसका कारण इधर ही लिख दूंगा यूं करके, यूं, नेगेटिव चार्ज रिपेल्स लोन पे. वो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, नेगेटिव नेगेटिव है, इसलिए लेस स्टेबल होगा. नाउ आई विल ड्रॉ द थर्ड क्वेश्चन ऑन बोर्ड. आई होप आप लोग ये बात समझ चुके हैं. अगेन आप विचार करना शुरू कर दें, मैं आपको मौका दूंगा इसका जवाब देने का. See this question. Again, you have to see where the octet is incomplete. आप straight away देख सकते हो, 6 electrons यहाँ पे, octet is incomplete. आप straight away देख सकते हो, यहाँ पे 6 electrons हैं, octet is incomplete. B option देखे तो CH2 negative है, तीन bond बना रहा है, octet complete है. O पे positive charge है, तीन bond बना रहा है. O पे यदि positive charge आया, तो इसका मतलब वो nitrogen जैसा हो जाएगा, और nitrogen तीन bond बनाने के बाद मस्त stable condition में रहता है. Because यहाँ पे एक लोन पेयर बच जाएगा. पांच इलेक्ट्रॉन थे बेटा आउटरमोस्ट शेल में, तीन बॉन्डिंग में चले गए, दो बचे, तो लोन पेयर एक वहां पे बना देंगे हम. नाउ ऑक्टेट इज कंप्लीट, हियर आल्सो ऑक्टेट इज कंप्लीट. यदि आप देखो तो CH नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है, तीन बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट. ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है, तीन बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट. ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लगाओ तो नाइट्रोजन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगाओ तो नाइट्रोजन, दोनों तीन तीन बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट इज कंप्लीट. वेरी क्लियरली एक बात समझ में आ गई कि सी और डी विल बी मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू द, सॉरी, B and D will be more stable when compared to A and C. अब B और D में कौन ज्यादा stable है, ये बात पर विचार करना पड़ेगा. बेटा ये बहुत ही आसान है, आप खुद ट्राई करें और बताएं A, B और D में कौन ज्यादा stable है. कोई बच्चा जो उत्तर बताना चाहे, इट इज वेरी इजी, मतलब सामने दिख रहा है, एकदम चमक रहा है वो. कोई भी होशियार बच्चा जो बताना चाहे. D is more stable than B. B, B for Bombay? B, okay. B is greater than D. That is what? Okay, okay. D is more stable than B. Okay. Reason? Charge separation. Very आसान, मतलब यहाँ पर देखो charge separation बहुत कम है, यहाँ पर देखो charge separation बहुत बड़ा है. So this is correct, मतलब very correct. एक नजर में समझ में आता है ये कि चार्ज सेपरेशन यहां पर दिख रहा है. सो देयर इज अ गुड आंसर, यू सेड दैट डी इज ग्रेटर देन बी. ओके बेटा, नाउ ए और सी में बोले कौन ज्यादा स्टेबल है. देख, ए इज मोर स्टेबल देन सी, रीजन फॉर दैट. ओके गुड बेटा, यहां पर दो दो लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर रिपल्शन हो जाएगा, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर में रिपल्शन हो जाएगा. देयरफॉर दिस इज लेस स्टेबल स्ट्रक्चर, दिस इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर. सो ए इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू सी, व्हेन कंपेयर्ड टू डी, व्हेन कंपेयर्ड टू द बी. सो ये तीन क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए,